टू फैमिली कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे आपकी दुआ से। हम भी ठीक हैं। सुबह का आगाज मालूम बड़ी देर से हो गया, तो अभी स्कूल चला गया। उसका उर्दू का पेपर था, वो 7:30 बजे स्कूल चला गया। मैं बना रही हूँ नाश्ता, मैं दिखाती हूँ आपको। मैंने ना पेड़े कर लिए, तो पेड़े चाय रखी है पकने के लिए, गैस बड़ी स्लो आ रही है। मैंने बना लिए पेड़े, पेड़े करके मैंने ये रखे हुए दो, इसके पापा के, एक मेरा और एक अम्मी का। अली का बना के अंदर रखा ही हूँ, वो जैसे ही आएगा फिर उसका नाश्ता खाती हूँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें सपोर्ट किया। तो एक दिन में हमें काफ़ी सारे सब्सक्राइबर मिले, तो नए सब्सक्राइबर को, अगर जिन्होंने अभी तक हमारी वीडियो को पूरा वॉच नहीं किया तो पूरा वॉच किए चले जाके। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, हमारी वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और पूरा वो स्टैम पूरा करें हमारे वीडियो को। तो चलिए हमारे साथ ही जुड़े रहिए, आज जो हम करेंगे वो आपसे शेयर करेंगे, सारा दिन की रूटीन आपको बताएंगे, आगे चल के आज हम क्या करते हैं। अभी मैं बनाने लगी हूँ नाश्ता, नाश्ते के बाद फिर मैं हांडी बनाऊँगी। आज मैंने बनाने हैं कोफ्ते अंडे, तो बड़ा मेरा दिल कर रहा था कोफ्ते और अंडे के शोरबे के साथ खाने को, तो मैं बनाऊँगी। इस माह मैंने सारा मिला दिया, तो इनको नाश्ता नाश्ता दे के उसके बाद फिर मैं हांडी खाऊंगी। हांडी बना के फिर वो लकड़ियाँ हमारी वो बनाएंगे। तो देखते हैं आज सारा दिन आज क्या करते हैं हम, हमारे साथ ही जुड़े रहे। चलिए यहाँ रोटियाँ शुरू होने लग गई हैं। सुबह देखो हमारी नाश्ते से ही होती है अक्सर, सुबह उठते सीधी चूल्हे पे सवार हो जाती है बना के। खाते पीते घर के लोग है ना, हर वे खाते ही रहने। अभी सुबह करती है, सुबह सुबह नाश्ता, क्योंकि वो दूध दे के आती है दुकान पे, हमारी जेठ की दूध दही की दुकान है, तो वो अम्मी घर में सप्लाई करती है, अम्मी जाती है देने के लिए। वो जब देख के आती है, आके आते हुए अपना भी दूध ले आती है उनसे, तो आगे भी कही मुझे नाश्ता बना दो, क्योंकि वो रात को नहीं खा के सोती है ना, रात को फिर मैदा भर जाता है उनका, तो उनसे भी लेटा सोया नहीं जाता, इसलिए फिर उनको सुबह सुबह जल्दी भूख लग जाती है। चलो अभी नदीप को उठा के आई, क्यों उठ जाओ, 9 बज रहे हैं, ऑफिस जाना है उन्होंने। दुआ करें आज हमारी सैलरी मिल जाए, बड़ा तंगी है ये सैलरी वालों ने, वो इलेक्शन की वजह से। बस दुआ करें, स्कूलों की फीसें मांग रहे हैं, कल अली को पेपर में नहीं बैठा रहे थे कि फीस जमा कराओ। फिर आज मैंने अम्मी को भेजा, अम्मी कह के आई उनको कि उसके पापा को तनख्वाह नहीं मिली, एक दो एक दिन में मिल जाएगी, आज नहीं तो कल मिल जाएगी, फिर आपको फीस दे देंगे। हालांकि सब्र नहीं करता स्कूल वाला, हम तो छुट्टियों में, गर्मियों की छुट्टियों में भी, कोरोना जब हुआ था तब भी हमने हर महीने इसको फीस दिया, हमने कभी इसका नाला नहीं किया फीस का। कई बच्चों ने तो अपने बच्चों को टाल लिया था माओ ने फीस देने के लिए कि फीस ना देनी पड़े, फिर भी हमने दी है, पर फिर भी उनके स्कूल वाले सब से सब्र नहीं होता। चलो कोई बात नहीं, फिर अभी अभी कह के आई है, तो कहते अच्छा कल भी सुबह जा नहीं रहा था, कह रहे मम्मा वो फिर मुझे नहीं बैठाएंगे, मैं कह तू जा, दादू जाती है तेरे साथ, हम नहीं जाते ना, हम भी जाती है, वो मम्मी की बात मानता सर। आटा नरम हो गया ना, चलो जी मेरा पराठा हो गया, चलो जी अब रेडी होने लगा, अब मिलते हैं नाश्ते के बाद। देखिए जी हमारे ना कोफ्ते पक रहे हैं, मैंने ना भून के मसाला और दही भून के उसके अंदर कोफ्ते डाल दिए, अभी ज़रा थोड़े से 5 मिनट भून जाएंगे, तो मैं इसमें डाल दूँगी शोरबा। इधर मैंने डाले हैं, इसमें बनाए हैं अंडे, अंडे उबाल लिए मैंने, तो जैसे ये होते हैं फिर अंडे बाद में डालूँगी, छुरी का अब कोई काम नहीं है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, आपकी दुआ से हम भी ठीक हैं। तो आज की सुबह का आगाज़ हो गया है, क्यों? अच्छा चलो जी, लकड़ियाँ जो हमने कल बनाई थी वो दे दी हैं, वो भाई आए थे लेने के लिए, तो अब वो ये मशीन भी वहाँ, तो ये वाली रूले बनाने वाली जिसे हम रस्सियाँ बनाते थे गोल वाली, तो
अब दे रहे हैं उनको, देने के लिए आए हैं। एले बाहर खड़ा बा मोल भी शापर, भी दे शापर नहीं है, नहीं है खत्म हो गए शापर। एले बुआ को इधर आए हैं भाई लेने के लिए। एले भी अगले साल चले सही है। अब वो जा रहे हैं, अब हम चलते हैं ऊपर छत पे जा रहे हैं काम करने के लिए। ताला वगैरह लगाई हूँ घर लेके आई है ना, कुछ इसने सामान लेना है अपना, तो चलो जी इस पे सारी पेप लग गया। अब ये सारी पे लग गया, अब मैं करने लगी हूँ काम स्टार्ट। तो मैं अभी ऊपर अकेली हूँ छत पे, धूप में आ गई हूँ। आसना भी नीचे है, अब अपनी हंडिया बना रही है, तो मैं करने लगी स्टार्ट काम। वो भी आ जाएगी अभी थोड़ी देर में, तो करते हैं आज का स्टार्ट काम। तो ये बना के फ्री होके फिर हम नीचे जाएंगे। उसने तो अपना खाना बना लिया, मैंने खाने से दाल चावल इसके पापा कह के गए थे लीजा के, तो वो मैं कह रहा वो गरम गरम बनाऊंगी शाम को, ज़रा 2-3 बजे दाल बना लूँगी, चावल फिर शाम को पका लूँगी 5 बजे। चले जी ये देखिए, ये मैंने 8 लकड़ियाँ बना ली है माशाल्लाह से बैठे बैठे धूप में। अब नीचे चलते हैं इनको लेके, इधर भाभी बैठी हुई है। कितनी बनी आपकी? पाँच भी बना रही है। तो भाभी पे, भाभी का ना इस माल पे हाथ नहीं चलता, स्लो बनाती है थोड़ा सा, मुझे आदत हो गई है, मैं बनाती रहती हूँ। 15 पूरी करनी बाकी, अब नीचे जाऊँगी नीचे बनाऊँगी। इधर हमारी छोटी देवरानी ने कपड़े धोए थे, वो बिछाए हैं धूप में, अभी अम्मी बिछा के गई हैं। तो इधर माल बन रहा है, अब मैं बैठे बैठे थक गई हूँ, मैंने कहा चलो मैं उठती हूँ। चले जी यहाँ पे मेरा हो रहा है काम। मैंने क्या कर रही हूँ, मैं अभी खाना बना रही हूँ। बाहर लगा दी है मैंने ऊपर से आके मशीन, यहाँ प्रेशर में मैंने डाल दी है दाल डाल के। मैं आपको दिखाती हूँ सारा, क्योंकि मैंने आज मशीन लगाई है। आय अल्लाह, यहाँ तीलियाँ पड़ी हैं तोड़े में, यहाँ मशीन लगी है, यहाँ रह गई है बस एक जैकेट और एक चादर। ये बहुत वजनी है, इसको मैं एंड पे ही धोती हूँ, क्योंकि मेरे घुटने में दर्द भी थी तो कुछ लगता रुक गई है। ये बाल्टी वाले मैंने हंगाल लिए हैं, दूसरे रहते हैं, वो भी पानी नहीं आ रहा टंकी में पानी ख़त्म हो गया, तो वो भी पानी चढ़ेगा। ओहो ये देखें नील गिरा दिया किसी ने, रोड चल रहा है सारा ही। अम्मी बोले ही हूँ मैनू चलो कोई बात नहीं, जेड़ी चीज़ नहीं नसीबां च वो नहीं होंगी। तो हूँ इन असं नील अंदर लै जाने, तो मशीन हूँ चलती पी है, एक पूर रह गया बस चादर और इसके पापा की जैकेट है, बाकी सारे दुल्गे थोड़े से ही थे। मैं साथ साथ धो के फ्री हो जाते, तो मैंने भी अपने चेंज कर लिए नहा के, जो पहने हुए थे वो भी मैंने धो लिए सारे। तो और मैं आज बनाने लगी हूँ दाल और चावल, मासी ने की दाल और चावल बनाऊंगी आज, तो वो भी आपसे शेयर करेंगे क्योंकि वो बड़े मज़े के पकते हैं। ऊपर कौन है पता नहीं, तो देखते हैं आसमा क्या कर रही है। नीचे आके वो बैठी है तीलियाँ बना रही है, ये देखें ये लगी अपने काम। अली बैठा हुआ उधर अपना लेटा हुआ, सपारा पढ़ के आया अभी, और ये बना रही है काम। मैं भी कल जाना ना अपने अम्मी के घर,
अच्छा इसलिए मैंने कहा चलो 15 के बना लूं ना, आज 10 बना ली थी, ये 13वीं बना रही हूं मैं। चलो सही है। चले जी आप हमें जल्दी से 1 सब्सक्राइबर 1 वो के सब्सक्राइबर कर दें, फिर हम आपके साथ ऑनलाइन आके बैठेंगे तो लाइव बैठेंगे तो आपके साथ गपशप मारेंगे, जल्दी से आप 1 के सब्सक्राइबर करें और लाइव फिर हम ना केक भी मंगवाएंगे, फिर केक काटेंगे, लाइव ही काटेंगे हम। हाँ। आपके साथ लाइव ही रहेंगे उस दिन, हम आपके साथ लाइव। हाँ लाइव समझ आ गई ना लाइव। हाँ ला गई आ गई। चले जी ठीक है, जल्दी से हमारा 1 के सब्सक्राइबर कर दे। तो आप हमने ना दोनों ने यही सोचा कि हमने ना जिस दिन हमारा 1 के सब्सक्राइब हो जाएगा ना, अगर रात हुई तो फिर अगले दिन मसलन सुबह जब होगी तो फिर हम लाइव आएंगे आपके साथ, क्योंकि काफ़ी रात को वो होता है, बेकरियाँ वगैरह भी बंद होती हैं, केक जब लेके आएंगे ना फिर हम आपके साथ लाइव आएंगे, केक भी काटेंगे और आपके साथ गपशप भी करेंगे, क्योंकि माशाल्लाह थोड़े से रह गए हैं हमारे सब्सक्राइबर, तो मेरा ख्याल 300-350 रह गया, 390 थे पता नहीं, और 385 रह गए हैं, तो आप जल्दी से हमारी सपोर्ट करें और जल्दी से वॉच टाइम पूरा किया करें तो ताकि हमारा जल्दी से चैनल मोनिटाइज हो, तो फिर हम आपके साथ नई नई चीज़ें शेयर करेंगे, तो खुशी होगी हमारी कि आप सब बहन भाइयों ने हमारा साथ दिया है। तो इसी के साथ यहाँ पे मैं कंटिन्यू करती हूँ आगे भी, लोग कपड़े धो रही हूँ, बाहर जा रही हूँ मैं बाहर, तो बनाती हूँ काम करती हूँ, कपड़े धोती हूँ, फिर अपने दाल चावल पकाऊंगी, और यहाँ जा रहा है अहमद एक अदद अपने वहाँ पे ट्यूशन जा रहा है, इसके भी पेपर चल रहे हैं एग्ज़ाम फाइनल, तो देखो अब आप लोग दुआ करना हमारे बच्चों के रिज़ल्ट अच्छे आए, पेपरों में पास हो जाएं माशाल्लाह। ये लो जी यहाँ पे हमारी दाल रेडी हो गई है, तो अब मैंने रख दिए चावल, चढ़ा दिए, पतीली मेरी आसमा के पास थी नहीं तो मैंने पतीली में निकाल लेनी थी, तो अब चलते हैं बाहर। अली आया था लेने कैलकुलेटर अलीजा का, तो यहाँ बना रही हूँ मैं चावल, डाल के गई थी मैं, कहा मैं मोबाइल लेके आता हूँ आपसे शेयर करती हूँ, यहाँ ज़ीरे वाले चावल पका रही हूँ मैं, तो कपड़े भी रखे हुए हैं बाहर धोने के लिए, कपड़े धुल गए हैं बस उनको हंगाल के सूखने डालने हैं, अब इनको पकने देते हैं, उबाल आने देते हैं, जैसे उबाल आता है तो फिर आपसे शेयर करेंगे, क्योंकि काफ़ी गंदा इतना गंदा पानी आ रहा है, इतना गंदा पानी आ रहा है ना स्मेल वाला, तो मैंने कहा मैं क्या करूँ, फिर मैंने ना मोटर बंद कर दी, मैं क्या अभी थोड़ी देर बाद लगाऊँगी शायद साफ पानी आ जाए, तो देखो क्या बनता क्या नहीं बनता, सब सुबह भी बहुत गंदा पानी आया था, कल भी बहुत गंदा पानी आ रहा था, आज 2 दिन हो गए बहुत ज़्यादा गंदा पानी आ रहा है, स्मेल इतनी इतनी गंदी स्मेल गटरों से भी ज़्यादा, तो बड़े परेशान ही हो गए एकदम से, नहीं तो कभी भी इतना गंदा पानी इतनी देर तक नहीं आता है, हल्का सा एकदम आता है फिर फौरन साफ आ जाता है, अभी पता नहीं क्यों गंदा पानी आ रहा है, चावल रखे हैं मैंने उबाल आता है तो फिर चावलों को दम लगाऊंगी। ये देखिए जी इधर मैंने जो बनाया था सालन आलू कोफ्ते पकते हैं इसके, तो मैंने सुबह वीडियो नहीं बनाई थी, हम छत पे चले गए उसके बाद आए तो काम करने लग गए, बहुत ही मजे की खुशबू आ रही है, अब नदीम आया उसको देने लगी मैं खाना, मेरा बंदा बड़ा लेट आया, इधर भाभी ने यहाँ मेरी दाल पक गई थी अब मैं इसको गर्म कर रही हूँ, तो चावल भी पक गए हैं मेरे। लो जी मेरी बेगम ने ना हुन खाना पकाता ते मनु एवखो देता ते हुन अपने पा रही है, ते आपा असी हुन मगरिब तो बाद रोटी खान लगे हां, नमाज वगैरह पढ़ के नमाज पढ़ ली है, अल्लाह नबी दा नाम ले लिया ते बिस्मिल्लाह पढ़ के रोटी खाया करो, बिस्मिल्लाह पढ़ दियो बरकत पैंदी है, ठीक है हर काम शुरू करने से पहले, हाँ जी हर काम करने तो पहले बिस्मिल्लाह पढ़ो। ये देखें हमारे भी दाल चावल रेडी हो गए हैं, ये बहुत मजे के पकते हैं दाल चावल, ये तो हमारा सबसे ज्यादा है, ये तो हमारा फेवरेट दाल, हमें पसंद है ये जो मेरी लीजा है ना उसको मूंगी मसरों की दाल और चावल पसंद है, मांस चने की दाल चावल नहीं पसंद है, चलो ठीक है चले जब हम खाते हैं खाना तो बड़ा मजा आएगा, बाद में मिलते हैं आपसे। ये देखें जी यहाँ मेरे हस्बैंड क्या कर रहे हैं, दिखाना जरा बताना ये क्या कर रहे हो,
ये बाइक का मरगाड़ है, उसको कलर लगा रहा हूं ताकि जंगाल नहीं पड़ता। ये मरगाड़ नया लेकर आए हैं, इसके अंदर पेंट कर रहे हैं। ये नया लेके आए कितने का? 1300 का ना। स्मेल आ रही इसकी है ना कलर की। और एक आपको मैं एक और चीज दिखाऊं, आज जो हमने अपने कमरे में चलाई हुई है, मैंने आपसे कहा वो खराब है, उसका क्या खराब है वो मैं आपको भी दिखाती हूँ। ये देखें ये हमने अपनी LCD चलाई है, इसकी आवाज़ आ रही है, इसकी ना तस्वीर नहीं आ रही। अगर कोई मसलन भाई जो LCD सही करते हैं वो हमारी वीडियो देख रहे हैं तो आप हमें बताएं, या किसी को पता है इस चीज़ के बारे में ये क्यों आ रही है तो क्योंकि हमने ना इस पर दो मरतबा ना, एक मरतबा 5000 लगाया इसके ऊपर ना, हमने एक बार 5000 लगाया, एक बार 3 लगाया, एक बार 4 लगाया, 4, 3, 7, 5, 12000 रुपया लगा लिया, फिर भी इसका यही हाल है। ये देखें इसकी LCD नहीं आ रही, सिर्फ आवाज़ आ रही है, ये ऐसे ही रहती है, ये ऐसे ही रहती है। फिर अभी ना हमारा दिल चढ़ी, हमने कहा अपनी इसको सही करवाना। मेरे हस्बैंड जा रहे हैं उधर आसमा के कमरे में, क्यों जा रहे हैं मैं आपको बताती हूँ। आसमा ने ना दोपहर को मुझे कहा था कि नदीम ने आना है शाम को, तो मुझे ना गिफ्ट लेके आएगा मेरे लिए। मैं क्या अच्छा, तो मैंने अपने इसके पापा को, लीजा के पापा को बताया, कह रहे अच्छा चला, उनका तवा लगा के आते हैं अंदर, चलो देखते हैं कि उनके कमरे में क्या मजाक चल रहा है। साथ चलो ना मेरे यहाँ भी, खुद आगे आगे जा रहे हैं। चलो आ जाओ, चलो अब चला। इधर अम्मी बैठी हैं, अपना टीवी देख रही हैं। चलो आगे हो ना जरा, आगे हो के बात करते हैं ना, उधर सोफे पे बैठ के। वो तो सारे ने ही देना है। मैं लीजा पापा ने दस रही सी, मैं लीजा पापा ने कह रही सी, मैं कहा आसमान ने मैंने दोपहर क्या है कि ना नदीम ने मेरे लिए गिफ्ट लेके आना, कह रहे चला तवा ला के आइए जरा। मैं कहा अच्छा ठहर, मैं वीडियो बनानी है। हाँ वो सैलरी नहीं ना मिली, वो ना कल पानी वोटों की वजह से सैलरी लेट होगी। आइएगा अभी, टेंशन ना लै, तू आप ही देना। एडे चंगे नहीं है, एडे चंगे नहीं है हुकूमत वाले। बैठो बैठो, ले आओ डाला। चलो जी यहाँ पे हम आगे बैठे हैं कि डिग्गा टोपी नहीं है, मार्क वीडियो बना के चले पा। अच्छा अच्छा चलो सही है, बैठ जाओ। अब आप खड़े हो गए, एंड हो गया, एंड हो गया। मुन्नी वाला ड्रामा बजरंग भाई, मैं अभी वेख के सी है फिल्म, ये तो हुई गई है कमरे इधर डालते नहीं पे पुलिस वाले। बजरंग भाईजान फिल्म लगी हुई है सलमान खान की, ये देखें टीवी में एंड है। बस वो जब जंगलात तोड़ के भागते हैं ना आसमां के टीवी में, तो आगे नहीं आंदे सारे, तो आगे आगे आओ तुम आगे पता नहीं इंडिया बाहर है। चलो जी अजान हो रही है, इसके बाद बनाते हैं फिर वीडियो। ये देखो ये लीजा आ गई है ट्यूशन से। हां ट्यूशन से, ट्यूशन से, ट्यूशन से आ गई। अब मैं जाता हूँ, वो मोटी क्या कर रही है पता नहीं। मोटी मोटी इधर क्या होया? ओ उधर से आ रही है। मैंने कहा चाय बना लो, तो बैठ गया मोबाइल लेके। मैंने कहा था ना बनाता हूँ। हाँ बनाता हूँ, पता है मुझे बनाता हूँ। हाँ ओ बाज ला गया, ये बैठा इधर बाहर खलोता, बाग गेट लागे। मैनू नहीं पता ओ अड्डा मोटा मोटा का, मेरे को नहीं फड़िया इंदा चाय का काटा, खुद अपने हाथ लग गए। अब चाय मैंने बना ली है, अब आ गया मैं कपो में डाल लूं, देखा अब जाए अंदर गोंगलो तो मिट्टी लान आ गए ना, हुन मैं कपा यार की हो, मैं कह रहा था ना मैं बना दूंगा, बस कर दो। तो बनाई मोबाइल से ही फुर्सत मिल रही है आपको, तो बदतमीजी
चले आए हम दिखाते हैं इनको तो लग रहा है अंदर में मैं इनको थोड़ा सा आज कूट दूंगा। हाँ, कूट दूंगा मेरे बादी। अब वीडियो में ना बोलो ये वड्डा मूवी है ना इसका वड्डा बहुत वड्डा है किड्डा किड्डा वड्डा मेरा टिड पाट गया है मजा है कोई ये चाय पे चार डॉलर ही है चार डॉलर ही है आहो वो छननी टूटी गई अलीसा चाय गरम है मुंह की पट्टी एक्चुअली मैंने कहा डोंट टू यू सो टिक ऐसी गल तो तू अपनी मार खांदी है मेरे को अपनी मार को खुद नहीं मारते आप उसको खुद ही बंदा बनाते जिस दिन मैं अलीजा को मेरे मुझे इसके ऊपर सर के ऊपर छोड़ा हुआ कि तू इसको डांट रही है कर वो कर खुद क्या करते हैं मां साइड पे मां मारते पापा को हां मां मारते बदतमीज कर तो मुझे बुरा बनाया हुआ है बच्चों में कि तुम जरा हैंडल करो कहते हैं मैं ऐसा कत ये नरम है ये नहीं मारते इसको छोड़ो मैं चाय डाल दूं तो अभी हम चाय बना रही है कपड़े धोए थे मैं थक गई थी मैं कहीं ठंड लग रही है मुझे चाय बना लो थी इन्होंने नहीं बनाई चलो चूल्हा बंद कर दो चलो अंदर चलो बस चाय पियेंगे चाय पी के तो मैं सोने लगी हूँ ठीक है अब आप कोई ब्लॉग एंड कर दो चलो ये सारे मेरे को बाय बाय असली।